स्टूडेंट्स, आई एम योर जीके टीचर मिसेस नीतू माटा. ये स्टूडेंट्स, यू कैन सी द पिक्चर एंड सी हियर द नेम ऑफ द चैप्टर इज रेलवे रिजर्वेशन. दिस मैन इज ट्राइंग टू रिजर्व हिज सीट इन ट्रेन. दैट्स व्हाई द नेम ऑफ द चैप्टर इज रेलवे रिजर्वेशन. ये स्टूडेंट्स, लिसन केयरफुली. फाइंड द नेम एंड नंबर ऑफ द ट्रेन यू वॉन्ट टू ट्रेवल ऑन बाय गोइंग टू द इंडियन रेलवे पैसेंजर रिजर्वेशन इंक्वायरी. फाइंड द नेम, आपको क्या करना है, अपना नाम फाइंड कर. फाइंड द नेम, नेम एंड नंबर ऑफ द ट्रेन. ट्रेन का नंबर भी दिया होता है और उसका नाम भी होता है, उसको आपने फाइंड आउट करना है. यू वॉन्ट टू ट्रैवल ऑन, जिस पर आप यात्रा करना चाहते हैं, जिस ट्रेन पर आप जाना चाहते हैं, उसका नेम और नंबर फाइंड आउट करना है. ऑन बाय गोइंग टू द इंडियन रेलवे पैसेंजर रिजर्वेशन इंक्वायरी वेबसाइट. आपको ये वेबसाइट है, उस वेबसाइट का नाम क्या है, इंडियन रेलवे पैसेंजर रिजर्वेशन इंक्वायरी. क्लिक ऑन ट्रेन बर्थ अवेलेबिलिटी, आपको जो है वहाँ पर क्लिक करना है ट्रेन बर्थ अवेलेबिलिटी का. अंडर सर्विसेज ऑन एन ऑनलाइन इंडियन रेलवे ट्रेन्स एट ए ग्लैंस टाइम टेबल इज आल्सो अवेलेबल टू असिस्ट यू. असिस्ट का मतलब साथ देने के लिए. उसे क्या होगा, जैसे ही आप क्लिक करेंगे ऑनलाइन इंडियन रेलवे ट्रेन्स एट ए ग्लैंस टाइम टेबल आपके सामने आ जाएगा इंडियन रेलवे टाइम ट्रेन्स का. सेकेंड, एंटर द डिटेल्स ऑफ द स्टेशन. आपको क्या करना है, अपने स्टेशन का डिटेल आपको फिल करना है. यू वॉन्ट टू डिपार्ट फ्रॉम, जिस स्टेशन से आप जाना चाहते हैं. एंड द स्टेशन यू वॉन्ट टू ट्रेवल टू, और जिस स्टेशन पर आप जाना चाहते हैं. योर जर्नी डेट एंड क्लास ऑफ अकोमोडेशन दैट यू वॉन्ट टू ट्रेवल बाई. आपको जो है अपनी जर्नी डेट, कि आपकी जो है यात्रा करने की डेट, एंड क्लास ऑफ अकोमोडेशन दैट यू वॉन्ट टू ट्रेवल बाई. और क्लास होती है ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्लास, तो वो आपको आपनी फिल करनी है कि आप जो है फर्स्ट क्लास जर्नी करना चाहते हैं, सेकंड क्लास या थर्ड क्लास. थर्ड, सिलेक्ट द डिज़ायर्ड ट्रेन. आपको जिस भी ट्रेन डिज़ायर्ड का, मतलब जहाँ इच्छा है जिस ट्रेन से जाने की. एंड क्लास यू वांट टू ट्रैवल, यू विश टू ट्रैवल बाई, और जिस क्लास से जो आपका लेवल है उससे आप ट्रैवल करना चाहते हैं उसको आपने सिलेक्ट करना है. एंड कोटा इफ़ रेलिवेंट, और अगर कोटा दिया होता है, जैसे बुज़ुर्गों का दिया होता है कोटा, और जो अपाहिज लोग होते हैं उनका दिया होता है. एंड चेक द अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स, और आपको सीट्स चेक करनी कि कितनी सीट्स हैं इस ट्रेन के अंदर. यू कैन आल्सो, अवेलेबिलिटी है मतलब कितनी और बची हैं. यू कैन आल्सो चेक द ट्रेन फेयर एंड रूट एट दिस पॉइंट. फेयर का मतलब किराया, FARE, और रूट मतलब रास्ता. तो आप क्या चेक कर सकते हो, उस ट्रेन का कितना किराया लगेगा और उसका क्या रूट है, किस रास्ते से होकर जाएगी वो. फोर्थ पॉइंट, इफ़ देयर आर नो सीट्स अवेलेबल, अगर सीट्स अवेलेबल ही नहीं है, आपको जाना है, द अवेलेबिलिटी विल शो एज रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसलेशन. तो वो आपको जो है रिजर्वेशन अगेंस्ट, रिजर्व करना मतलब आपके लिए सीट रिजर्व करना अगेंस्ट कैंसिलेशन, जो आपकी सीट कैंसिल हो गई है उसको बोलते हैं RAC. तो उसमें जो है कि उसमें सीट बची है या नहीं है, रिजर्व हो सकती है या नहीं, वो दिखाएगा आपको. वंस यू हैव फाउंड ए सूटेबल ट्रेन टू ट्रैवल ऑन, अगर आपको एक बार कोई अच्छी ट्रेन मिल जाती है, मेक नोट ऑफ इट्स नेम एंड नंबर, तो आपको उस ट्रेन का नाम और नंबर नोट करके रखना है. इफ़ यू आर बुकिंग ओवर द काउंटर, अगर आप काउंटर पे बुकिंग कर रहे हैं, जैसे हम जाते हैं ना रेलवे स्टेशन पर, तो सबसे पहले हम टिकट लेने जाते हैं, काउंटर बना होता है, तो वहाँ पर हमें क्या करना है, इफ़ यू वहाँ से अगर हम बुकिंग कर रहे हैं, प्रिंट आउट द रिजर्वेशन फॉर्म, एक फॉर्म मिलता है रिजर्वेशन का, क्योंकि सीट अवेलेबल नहीं है, तो हमें रिजर्वेशन का फॉर्म प्रिंट करना है ताकि हमें शायद कोई सीट अवेलेबल हो जाए. कंप्लीट द फॉर्म को कंप्लीट करना है एंड टेक इट टू द रिजर्वेशन ऑफिस, और उसे हमें कहाँ लेके जाना है, रिजर्वेशन ऑफिस. इफ़ यू आर बुकिंग ऑनलाइन गो टू, अगर आप ऑनलाइन बुकिंग कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, www.irctc.co.in वेबसाइट पर जाना है एंड रजिस्टर, तब आपको वहाँ पर रजिस्टर करना है. इफ़ योर डिटेल्स लुक फाइन, अगर आपकी डिटेल्स सही हैं,
क्लिक ऑन मेक पेमेंट, आपने अच्छे से फिल कर दिए तो आपको पेमेंट पे क्लिक करना है, जितनी भी सीट की आपको देना है अवेले पेमेंट करनी है। चूज़ द बैंक दैट यू वांट टू यूज़ टू प्रोसेस योर पेमेंट, जिस बैंक से आप अपना जो है पेमेंट करना चाहते हो उसको आपने क्लिक करना है, उसका नाम राइट करना है। ऑल बुकिंग्स मेड बोथ ओवर द काउंटर, जितनी भी बुकिंग्स हैं मेड बोथ ओवर द काउंटर एंड ऑनलाइन, काउंटर पर या ऑनलाइन पर, दोनों पर जितनी भी जो बुकिंग्स हैं, आर असाइंड ए 10-डिजिट PNR नंबर, उनको 10-डिजिट का PNR नंबर दिया जाता है। इफ़ यू आर इन द RACQ, अगर आप इस RACQ में हैं, यू कैन चेक द स्टेटस ऑफ़ योर बुकिंग ऑन द इंडियन रेलवेज वेबसाइट, तो आप इंडियन रेलवे वेबसाइट पर अपनी जो है जो आपने बुकिंग की है उसमें अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन PNR इंक्वायरी। PNR इंक्वायरी में जब आप क्लिक करेंगे तो उसमें आपका जो है आपको पता चल जाएगा, देन एंटरिंग योर नंबर, तब आपको अपना वहाँ पर PNR इंक्वायरी में अपना नंबर फिल करना है, क्लिकिंग ऑन द गेट PNR स्टेटस बटन, तब आपको PNR स्टेटस बटन को फिल करना है। यस स्टूडेंट्स, आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू हाउ वी कैन रिजर्व आवर सीट। यस स्टूडेंट्स, आई हैव कंप्लीटेड माई चैप्टर एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।